हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर का एक क्वेश्चन लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन है डिवीजन एल्गोरिथम से। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को इस बहुपद से डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब पी ऑफ एक्स को हम लोगों को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। पी ऑफ एक्स का वैल्यू है 3x³ + 10x² - 14x + 9 व्हेन डिवाइडेड बाय 3x - 2। तो डिवाइड करते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशियंट है, और ये इसको हर स्टेप में इक्वल कर देना है। क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x, x पे पावर 1 है और यहाँ पे x पे पावर 3 है, तो इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? तो x इंटू एक्स स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ हो जाएगा। मतलब x हम लोगों को यहाँ दिया हुआ था और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो अब ये साइन कैसे डिसाइड करेंगे? साइन डिसाइड करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है। तो साइन सिंपली आप यहाँ से डिसाइड कीजिए। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस डाल देंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 3x, तो ये हो गया 3x³ माइनस 2 इंटू प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x² इसको अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। डिवाइड में ये रूल है, जब आप मल्टीप्लाई करके लिखते हैं जो टर्म आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता था। ये प्लस में था, यहाँ पे माइनस कर दिए, ये माइनस में था इसको प्लस कर दिए थे, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को बचा 10 और ये 2, ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 12x². अब बचा यहाँ पे -14x + 9। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, यहाँ पे 12 है, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे? पहले यहाँ पे साइन कैसे पुट करेंगे? तो ये है प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस इंटू प्लस, आप डायरेक्ट यहाँ प्लस लिखिए। इस तरह से आप लिखेंगे, आपका साइन में कभी गलती नहीं होगा। तो अब ये हुआ 3, ये हुआ 12, तो इसको कैसे पुराएंगे? तो यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 12 पुर जाएगा? तो 3 × 4 करेंगे तो 12 पुर जाएगा। तब तो ये जो नंबर था, ये टर्म पुर गया हम लोगों को। बट यहाँ ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को एक्स स्क्वायर पुराने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो 4x × 3x, तो ये हो जाएगा 12x². अब यहाँ पे बचा -2 × + 4x, तो 2 × 4 तो -8x हो गया ये। अब यहाँ पे भी इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ पे -40x + 8x, तो ये हो गया -6x + 9। अब यहाँ पे फिर साइन चेंज, साइन क्या पुट करेंगे? अब यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इस तरह से आप साइन पुट करें तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ माइनस साइन पुट कर दिए, ये है 3, यहाँ पे है 6, तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 3 × 2, तो ये 6 पुट जाएगा। और एक्स, एक्स यहाँ पे है, मतलब और कोई वेरिएबल टर्म से हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो ये हो गया -2 × 3x, तो ये हो गया 3 × 2 = 6 × x + × - −× + तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -× - ये हो गया प्लस, और ये 2 × 2 ये हो गया 4। तो यहाँ पे आप फिर साइन चेंज कीजिए, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। इसको जब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में 6 जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे +9 - 4, तो ये हो जाएगा +5। यहाँ पे हम लोग 5 जो है ये रिमाइंडर के रूप में पाया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें।